गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी, एक ज़रूरी ऐलान आप सब के लिए, जिनको तो हंसी मजाक फन मस्ती क्लीनिंग से होता है उनको प्रॉब्लम एंजाइटी डिप्रेशन, या जिनके हजरात के दिल छोटे हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो तो इस व्लॉग से टाइम से निकल जाएं, जाके अपनी सीरियस दुनिया को इंजॉय करें। और जिनको ये सब देखना पसंद है, जुड़े रहें, टिके रहें, बैठे रहें। जाहिरी बात है 8-10 मिनट का व्लॉग है, देखेंगे तो समझ आएगी क्या हुआ है। इसके साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट जो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, जुड़े रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। और हाँ, जिन्होंने ये व्लॉग देखना है, एहतियाती तदाबीर, सीट बेल्ट बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें। ये शक्ल देखने में आपको मिलेगी, डर के मारे आपको कुछ भी हो सकता है, इसका मेरा व्लॉग जिम्मेदार नहीं होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब? कैसा इंट्रोडक्शन ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा शौक होता था स्पीच करने का, देखें आज मैंने कर ली। पानी का पाइप पकड़ के, अपना मेडल पकड़ के, आगे पांडा ब्रांड पकड़ के, देखा। चले जी, शुरू करते हैं क्लीनिंग व्लॉग, जुड़े रहिएगा। जी, आज आ गया है सहन धोने का टाइम। सहन काफ़ी ख़राब हो रहा था, काफ़ी दिनों से बोल रही थी। पानी का मसला था, बिजली का मसला था, बैटरी नहीं थी। प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अब जिसने मुझे कहा ना सहन धोने का व्लॉग नहीं बनाया, उसे बोलूँगी हमें अपने घर से जनरेटर की तार दो या UPS उधार दो। UPS बैटरी, पानी बिल्कुल भी नहीं था। इतना दिल करता है सहन धोने को। और इस दफ़ा गर्मियों में मोटर ने हमारे साथ जो फिल्में की हैं, बस मत ही पूछें, पहले कभी नहीं हुई है इस कदर। होती है एक हद तक। और जी, आज सहन धोने की बारी है। और जी, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपके हस्बैंड आपको व्लॉग बनाने से नहीं रोकते, ऐसा करने से नहीं रोकते, ऐसा करने से नहीं रोकते। देखिए, वो इंसान है, मैंने उन्हें पूछा था सांस लिया करूं, कहते हाँ। मैंने कहा दुपट्टा कभी कभी सर से उतर जाता है, उसने कहा मैं तुम्हारा सर कलम नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं ना, वो क्या है, गर्मी बहुत है, जून जुलाई है। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम सांस लेती रहो, मैंने तुम्हारे अम्मी अबू को पैसे दे के तुम्हें नहीं खरीदा। मोहब्बत हुआ, प्यार हुई, लव हुआ, शादी हुई, मस्तियाँ होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ नहीं कहते वो। जिनको अपेंडिक्स फट रहा था, उनके BP का ख्याल करते हुए मैंने जवाब दे दिया है। और वो खुद भी सांस लेते हैं, खुद भी दुपट्टा नहीं लेते, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, जिंदा रहते हैं। मैं उनको स्पेस देती हूँ जिंदगी जीने का, और वो मुझे देते हैं। ऐसे कंजर्वेटिव माइंड भी लोग होते हैं। लोगों को लगता है मेरी IG में आके कमेंट करेंगे तो जाके अस्तगफिरुल्लाह, वो 20 साल लड़की का कत्ल किया उसके हस्बैंड ने, शायद मेरा हस्बैंड मैसेज पढ़ के मेरे ऐसे कत्ल कर देगा। तो जी, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा मेरे हस्बैंड के नाम पे बोलो ना, मुंह तोड़ दूंगी। नहीं है मेरे वालिद के नाम पे कोई 2-3 मुल्कों की सदारत, पर उसके दिमाग तो उसके अपने हैं भाई, उसमें तो किसी का हिस्सा नहीं चलेगा ना, ये उसके हैं जी। और जो उसका है वो उसकी बेटियों का, माने ना माने हिस्सा तो देना पड़ेगा ना हमें। वो ना आके लेडीज की आइडिया, जेंट्स बनाते हैं जेंट्स की आइडिया, आजकल लेडीज ने बनाई हुई है, पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं ना। मैं जानू को बता रही थी, मैंने कहा जानू, इन्हें लगता है कि बहुत आज़ादी है। हाँ जानू ने कहा, ट्विंकल खन्ना के साथ तुम्हारी 3 फिल्में तो आ गई हैं, शॉर्ट कपड़े पहन के प्रॉब्लम होने भी लग गई लोगों को। क्या है दुपट्टे को क्या तकलीफ है? मैंने कहा तकलीफ है कि दुपट्टा ऐसे थोड़ा साइड पे किया होता है, जून जुलाई की गर्मी है ना, पीछे हो जाता है थोड़ा सा। कहते कोई बात नहीं, स्ट्रॉलर पहन लिया करो, दुपट्टा पहने ना करो, 2.5-3 मीटर का दुपट्टा कहाँ संभलता है जून जुलाई में। माँ सदके माँ वारी, हाय हाय, कितने प्यारे जानू हैं, कितने अच्छे जानू हैं। बोलते हैं आई डोंट केयर, बस। तीसरी क्लास फेल लोगों को ये बोलना आता है, और ये हमने फेसबुक से सीखा है। हम नहीं लेते क्लास में अक्षय खन्ना जी का, हम फेसबुक से देखते हैं लोग कैसे बोलते हैं, फिर हम भी वैसे ही बोलते हैं। इस टेबल को धो दूंगी मैं, इट्स माय रिलेटिव, इसको कौन सा रिलेटिव बनाऊं, रहने देती हूँ। चलो छोटा भाई बोल देती हूँ इसको अपना, जितना मेरे को इससे मतलब पड़ता है।
कौन सी फरमाइश पैसे चाहिए वो खुदा खुदा करे। मैंने कहा नहीं पैसे चाहिए, बेल गेस्ट आया था पूछने। हाँ हाँ पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुम आके मांगूंगी किसी से। बोल क्यों मांगेंगे हम पैसे, हैं ऐसी तो कोई बात नहीं ना, बोलते रहते हैं लोग बोलते रहते हैं। पैसे जब आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे ना, मदद करेंगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा तो पैसे खुद ब खुद ही आ जाएंगे, और ये तकरीबन आधी दुनिया को पता है। तो पैसे नहीं चाहिए, आ जाते हैं सुनाने। नहीं मैं किसी को सुनने वाली लगती सी हूँ, लगती हूँ मैं आपको छुई हुई, जिसे कोई भी आएगा कुछ बोलेगा चला जाएगा। मैं तो मैं मेरा जानू डंडे उठा लेगा, मेरा जानू लड़ पड़ेगा। और वैसे भी जी वो देखें गंदम का ड्राम हमने ली है, 15 मन के करीब थी। मेरी गिनती पहले जाइएगा, मैं बिल्कुल जा रहे लूँ जी। 15 मन के करीब गंदम है, और ऊपर से मेरी बैरिया की सर्जरी है, मैंने गंदम खानी कम है ना होने के बराबर, यानी कि गंदम हमारी अपनी है। ठीक है, कौन से लोग हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं, यहाँ शादी करके भी नहीं लोग सुकून से जीने देते, और बड़े मुल्कों में अभी भी लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। पता नहीं मैं कभी किसी बड़े मुल्क में कब जाऊंगी, पता नहीं जाऊंगी भी कि नहीं। दुपट्टा ले लेती हूँ, अच्छे से ऐसे करती हूँ, ऐसे करके जान ही छुड़ाती हूँ इस मनहूस से। नहीं जी बब्बर शेर हो गया है तैयार, गोगा पहलवान हो गया है तैयार। अल्लाह जी इतनी मेहनत कर रही हूँ ना मैं सहन पे, अगर बारिश आई अगर अंधेरी आई तो अल्लाह जी फिर देखना आप, मैं रोने बैठ जाऊंगी। मैंने मशीन नहीं चलाई, मैंने मोटर चलाई है पानी की, कि मैं ना धो देती हूँ सहन। चले जी थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर आपको एक और बात सुनाती हूँ। जुड़े रहिएगा, कहीं में रहिएगा, जाने का तो सोचिएगा भी नहीं ना कि चले जाए। नहीं जी दोबारा शुरू कर दिया है धोना, और जी बस सुबह का नाश्ता बनाया था, अब आपको बातें सुना देती हूँ। सुबह का नाश्ता बनाया, जल्दी जल्दी उठ के प्लान बनाया हुआ था, धोना है सही, फिर कंफर्म नहीं था धोना है कि नहीं, परमिशन लेनी पड़ती है ना, दो तीन तो कमिश्नर है मेरे ऊपर दो तीन नहीं है, एक ही 10 के बराबर है माशाल्लाह से। और जी अब साथ साथ वाइपर करें, ये मिट्टी बहुत जमा हो गई है, ये सहन बिल्कुल ओपन है ना, जितनी मिट्टी आती है इसमें जमा हो जाती है। कितना प्यारा मौसम, सावन का महीना मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे यहाँ ना तो बारिश आती है ना ही कोई अच्छी हवा आती है, अंदरून में बैठे हैं हम, बस मिट्टी आती है, तूफान आते हैं, अंधेरी आती है, फिर सफाई का तूफान आता है, फिर अंधेरी का तूफान आता है, बस ये तूफान आते हैं, सही सही कसर फिर रिश्तेदार आके पूरी कर देते हैं। बस यही मेरी कहानी है जो चलती रहती है, और व्लॉग हैं जो आप देखते रहते हैं, चीज़ें वो हैं जो मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ आप सबके लिए, देखा करें बताया करें कैसी लगती है। और जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी मित्रों से, तुम लोगों का मुकाबला मुझसे है बेटा, चुप रहना, हटना, पीछे हटना, खामोश होना, सब्र करना मेरी आदतों में ही, ये मैं सीधा सीधा बता देती हूँ, डिस्क्लेमर लगा देती हूँ, अगर कोई छोटे दिल वाला है बीपी वाला है तो उनसे दूरी रहा करे। मैं डंडा उठाती हूँ फिर देखती नहीं चलना कहाँ पे और देना कहाँ पे और निकालना कहाँ पे, इसलिए हेटरों की तो ऐसी की तैसी, जो आके बुरे कमेंट करते हैं आधे रिश्तेदार कहीं के जानने वाले होते हैं, इर्द गिर्द के होते हैं, पहचानने वाले होते हैं, ना तो हमारी दुश्मनियाँ हैं ना लड़ाइयाँ हैं, ना हमने किसी का कोई गुनाह किया है, ना कोई ऐसी बात है, सीधी सी बात है भाई।
अपना फोन है, अपना घर है, अपना शोहर है, इजाज़त से करते हैं। तीन चीज़ें हमारी अपनी हैं, बाकी अब गंदी गाली दे नहीं सकती, वरना मैं कहती हूँ गालियाँ ना होती तो मेरा ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता। हाँ जी आती हैं गालियाँ। और ये देखिए वाइपर के साथ कितना अच्छा मैं इस मिट्टी को खींच के ले आई हूँ। झाड़ू के साथ तो मैंने मुश्किल हो जाना था, तो ये तकरीबन यहाँ तक आ गया है। अब हमने रखा हुआ है एक अदद जानू घर में, जिसको देते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ पराठे और चाय। अब ज़रा उसकी खिदमत करते हैं, उसको बुलाते हैं। उठें जनाब, उठ के तो थोड़ी सी सफाई करें। कोई नहीं, आप हम पे लगे हुए लीडर, लीडर बस एक ही है दुनिया में और वो इमरान खान है। हाय काश मुझे ज़िंदगी में एक बार ना रूबरू ने देखने का मौका मिल जाए, मैं तो देखते ही बेहोश हो जाऊँगी, बात थोड़ी करूँगी। हाँ जी ये बात है। ले जी ये तकरीबन अब मैं यहाँ रोकती हूँ और ये बाकी का हम लीडर से धुलवाते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहीं हैं हम, कहीं नहीं जा रहे। बस यहाँ पर ऊपर में पानी खड़ा होता है गर्मी की वजह से, ऐसे पानी खड़ा होता होता है, ये गर्मी की वजह से ना सारा नीचे आ गया। अकेले हाथ से धो रही थी ना, ज़्यादा टाइम लग गया था, इसी वजह से पानी खुद बहुत बहता गया। बस ये स्टाइल दुपट्टे का ठीक है, वैसे घूमा करेंगे। वो महाराजाओं ने नहीं यहाँ पे चादर रखे थे, ऐसे चल रहे थे ऐसे। एक मिनट दुपट्टा देखो, महाराजा का दुपट्टा उतरता नहीं, दिखाती हूँ। अच्छा यहीं पर ठीक है, जा मनहूस रिश्तेदार महाराजा साहब जा रहे। ऐसे करके वो जा रहे होते हैं, उन्होंने महंगी महंगी डायमंड की अंगूठियाँ पहनी होती हैं। ये देखिए ये महाराज साहब ऐसे करके जाते हैं, ऐसे उन्होंने बड़ी बड़ी महंगी महंगी शालें पहनी होती हैं और रिंगे पहनी होती हैं। मैं भी ऐसे ही पहन के चलूँगी। और जी सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, अब तो दिल करता है बस कहीं गिर जाऊँ। पर जानू समझे बेहोश है, उठा के कमरे में ले जाए, पांडा बैठता दिखाती हूँ, उठा के कमरे में ले जाए, कमरे में ले जाके पानी पिलाएं, जूस पिलाएं, ठंडा दूध पिलाएं, मेरा ख्याल रखें। ओहो जी गर्मी लग रही है, घर का काम कर करके थक गई हूँ। बस अब जल्दी से ना मैंने घिसड़ पिसड़ के पैरों पे घुटनों के बल जैसे बच्चे जाते हैं ऐसे मैंने बाथरूम जाना है और नहाना है, नहा के तैयार होना है, फिर अच्छे से कपड़े पहनने हैं, फिर मैंने नाश्ता करना है, चाय पीनी और फिर मैंने रेस्ट करना है। और हम ना घर के काम नहीं करते, हमने मुलाजिम रखे हुए हैं। अच्छा मैं झूठ बोलती हूँ ना, मुझे खुद ही हंसी आती है। हमें भी चाहिए झूठ है, सफ़ेद चिट्टा झूठ। एक सफ़ेद ज़ीरा होता है, एक सफ़ेद चिट्टा झूठ होता है, मेरा वो झूठ है। मैं यहीं बैठी रहूँगी, बचपन सही था, यहाँ जहाँ बैठे वहाँ खेले, वहाँ खाया, वहाँ से अम्मी ने उठाया, मारा पीटा, नहलाया, पटखा चार पाई पे मरो थे, हुंडी थले उतरना। अब देखो अब देखो, अब तो कोई नहाने भी नहीं देता, बैठने भी नहीं देता, सोने भी नहीं देता, बस काम होते हैं। प्रिंसेस मेरे ड्रीम में भी प्रिंसेस आती हैं, हालांकि मैं इतना मोटा पांडा हूँ, प्रिंसेस आना चाहिए ना, मोटा सा नहीं, प्रिंसेस आती हैं। बस जी बस उठती हूँ, अब नहीं करूँगी कोई काम और यहीं पर व्लॉग का एंड करूँगी। जुड़े रहिएगा चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सैड हो रही हूँ क्योंकि वाइब हो रही है ना, एंजाइटी हो रही है, अकेले रहना अब दिल नहीं लगेगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, रोते रोते बाय कर देती हूँ। कहीं ना चाहिए था मेरी लाइफ से निकल के, मैं अकेली क्या करूँगी।